आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह मामला हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, मगर यह साजिश और राजनीति में उलझता जा रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने वाले प्रदर्शनकारी अचानक सड़क पर आ गए, जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता इसे आयोजित बता रहे हैं। तो क्या है सच और क्या ये आयोजित था? तो क्या इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी जुड़ी हुई थी जिनसे चूक हुई है? देखिए, मोदी को रैली नहीं करन देती, मोदी को बुझाना है। मैं भी प्रधानमंत्री की के लिए दुआ करता हूँ, उनकी लंबी उम्र हो और बहुत लंबी हो, वो सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना हो। कयामत तो हो गई जब प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि वो किसी तरह जिंदा लौट सके तो। मुख्यमंत्री चन्नी की हर सफाई पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल भारी पड़ रहे हैं। इन नियमों की वजह से ही अब बात राष्ट्रपति से शिकायत और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक पहुंच चुकी है। वहीं जांच कमेटी बना चुके मुख्यमंत्री चन्नी पहले ही पंजाब पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं। जवाब में केंद्र सरकार उन पर सवालों की बौछार कर रही है। वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से निर्णय ले लिया कि वापस चले। हम संबान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है, लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें, किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक तरफ जहां केंद्र सरकार एक्शन में है तो वहीं पंजाब सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच फिरोजपुर से एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों से रास्ता खुलवाने के लिए बात कर रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पीएम मोदी फ्लाईओवर पर फंसे थे। उसी फिरोजपुर में एमएचई की टीम पहुंची और उस मौके का मुआयना किया जहां पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसके अलावा टीम ने फिरोजपुर के आला अधिकारियों से भी बात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, सुबह 10 बजे फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर पहुंची जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था। उसके बाद फरीदकोट, भटिंडा, मोगा और फिरोजपुर के उन पुलिस अधिकारियों को उसी मौके पर बुलाया गया जिनकी ड्यूटियां प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर अलग अलग नाकों पर लगी हुई थी। यही नहीं, टीम के अधिकारियों ने जितने भी पुलिस के अधिकारी बुलाए गए थे उनकी बातचीत और इन्वेस्टिगेशन को कैमरों में रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद इस टीम के सदस्य उन स्थानों पर भी गए जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला था। उसके बाद बीएसएफ के इस ऑफिस में के बंद कमरों में एक बार फिर से पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। इस बीच पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने क्या कहा देखिए। पूरे पंजाब में चल रहे प्रदर्शनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। फिरोजपुर में अचानक ही प्रदर्शनकारी हाईवे पर आ गए थे। पंजाब सरकार जहां इसे अचानक बता रही है वहीं केंद्र के मंत्री और बीजेपी नेता इसे आयोजित बता रहे हैं। इन सब के बीच कल रात पंजाब सरकार के गृह सचिव ने ये रिपोर्ट केंद्र को भेज दी और आज पंजाब पुलिस ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में FIR दर्ज भी कर लिया है। इस बीच पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा कि ये गलती सिर्फ पंजाब पुलिस की नहीं SPG और IB की भी है। वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक VVIP सुरक्षा के मापदंड तय करने वाली ब्लू बुक में निर्देश साफ है। इसमें लिखा गया है कि पीएम के काफिल में पायलट गाड़ी आगे चलती है, वो 1 किलोमीटर आगे चलती है ताकि रास्ता साफ है या नहीं ये पता चल सके। अगर रास्ता जाम होता है तो तुरंत वायरलेस से इसकी जानकारी देती है।
काफिले को तुरंत रोका जाता है और फिर उसे वापस मोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। पीएम को सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाया गया। वहीं आईबी को भी सतर्क रहना चाहिए था। जब किसान आंदोलन चल रहा है तब पीएम को सड़क के रास्ते 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की सलाह देना सही नहीं था। 15-20 minutes exposed is definitely a lapse on the part of the SPG. The moment the rocket was seen and within us literally 30 seconds a minute, they should have whisked away the prime minister from there to safe house, which is would have been already designated and taken into custody, or he goes back to the airport from where he came from. देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला बेहद गंभीर होता है, खासतौर पर जिस देश ने दो प्रधानमंत्री साजिश के तहत किए गए हमलों में गवाए हों। शायद इसी वजह से देश की सर्वोच्च अदालत भी दोनों सरकारों को इसकी साझा जांच करने का सुझाव दिया है, मगर अलग अलग जांच कमेटियां गठित किए बैठे केंद्र और राज्य सरकारें फिलहाल एक दूसरे पर अविश्वास और आरोपों की सियासत करती नजर आ रही है। अशोक सिंघल, सत्येंद्र चौहान और ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पहले से तय हो चुकी थी, मगर रैली से पहले की रात तक प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत चलती रही। इस बातचीत में बीजेपी के नेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सफाई में उस रात की पूरी कहानी बताई है, लेकिन फिरोजपुर में जो हुआ उसे बीजेपी नेता राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। इस इंटरव्यू के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने सड़क किनारे खड़े प्रदर्शनकारियों को देखते ही गाड़ी रुकवा दी। देखो ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको दिखाओ, ये यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, झंडे दिखा जा रहे हैं सीडब्ल्यूटी, और चन्नी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चन्नी साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यहाँ रोकने की कोशिश की उनका काफिला, और चन्नी साहब खुद उतर करके यहाँ मिलने आए हैं। क्या क्या डिमांड है? अच्छा ले अपना कोई मांग पत्र। अगर मेरा रास्ता तुम आज रोक रहे हो, यहाँ ये टीवी लाइव चल रहा है, इसलिए बाई चांस हो गया कि मैं गाड़ी में बैठा था। तो चन्नी साहब हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर। अरे बात इतनी ही बात थी जी कि ऐसे ही लोग आगे आ गए, बैठ गए, वहां तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे। चरणजीत सिंह चन्नी का पॉइंट ये है कि पंजाब में चूंकि चुनाव है, लिहाजा अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अचानक किसी भी सड़क पर प्रदर्शनकारी नेताओं को घेर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी साजिश के तहत ऐसा नहीं किया गया। इसमें कहां है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहां है कि कोई कंकर भी उनपे फेंका? रूट रोकना अलग बात है, लाइफ को खतरा होना अलग बात है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं सीएम भी हूं। अब आगे कोई 10 आदमी एकदम आकर बैठ जाएंगे, उनको प्यार से हटा दिया जाएगा। सीएम चन्नी ने इस दलील को और पुख्ता बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की रात का जिक्र किया। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से पहले किसान इस बात पर अड़े थे कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो रैली नहीं होने देंगे। चन्नी कहते हैं कि उस रात गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन पर उनसे बात की। वहीं बीजेपी के पंजाब प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब में डेरा डाल रखा था, वो भी किसानों को समझाते रहे। आखिरकार रात 2 बजे बात बनी और किसानों ने रास्ता खाली कर दिया। अचानक वो पीएम के रास्ते में कैसे आ गए, इस पर सीएम चन्नी और बीजेपी नेताओं के बयान अलग अलग हैं। रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं मेरे मोबाइल में वो ऑल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकलकर बैठ गए 10 आदमी, गांव नजदीक ही है, तो इसको हटाया जा सकता था। ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी, अगर वापस चले गए तो भी क्या हो गया। तिथि से लेकर के आज तक अगर आप सब एक इन टोटैलिटी अगर आप देखेंगे तो ही हम जो है इसको पूरे को समझ पाएंगे
कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के वहां रैली स्थल पर न पहुंचे इसकी व्यवस्था की गई, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की वो रैली सफल न हो उसकी जो है वो चर्चा की गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। हालांकि उनके मुताबिक दोनों से ही उनकी कोई बात नहीं हुई है। वहीं सोनिया गांधी से उनकी बात हुई और उन्हें चूक में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। मगर बीजेपी जहां कांग्रेस आलाकमान को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस सीधे पीएम पर अपनी सुरक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। और जिस तरह से एक जानबूझकर की गई आपराधिक साजिश पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हैं, आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क देने की कोशिश हो रही है, उससे ये अपने गुनाह से ये बच नहीं सकते। आप एक देश के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसे लीडर के खिलाफ साजिश षड्यंत्र की गंध आ रही है जो कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, जिनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, और वही नहीं पूरी दुनिया जिन्हें विश्व में शांति का नायक के रूप में देखती है, आप उनके खिलाफ एक साजिश की षड्यंत्र को जो है वो आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक ऐसा गंभीर मुद्दा होता है, वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते, ये घोर अपराध है, ये पाप है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव में पंजाब की लड़ाई ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक को दांव पर लगा दिया है और लगातार जारी सियासी आरोप प्रत्यारोप एक संस्थान के जड़ों को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। अशोक सिंगल, सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गृह मंत्रालय की टीम इस वक्त बठिंडा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच के लिए ये टीम पहुंची है और ये टीम इस समय पहुंच चुकी है बठिंडा। ये दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम है जो यहां पहुंची है और अब ये टीम भी अपनी जांच करेगी। सीधे सत्येंद्र चौहान के पास लिए चलते हैं। सत्येंद्र, क्या खबर है, बताइए। सही, देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम सही सुबह 10 बजे पंजाब के फिरोजपुर में उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था और एसपीजी को जो पंजाब सरकार ने जिन अधिकारियों की लिस्ट दी थी कि प्रधानमंत्री के रूट पर ये पुलिस अधिकारी तैनात होंगे, उन सभी को उसी मौके पर बुलाया गया, उन सबसे पूछताछ की गई, यहाँ तक कि उनके जो बयान थे वो वीडियो भी सर भी रिकॉर्ड किए गए और क्वेश्चनियर देकर उनसे सवाल जवाब भी तलब किए गए। फिलहाल ये टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिरोजपुर से निकल गई थी और अब बठिंडा एयरपोर्ट पर जो है वहां पर पूछताछ के लिए अंदर गई है, क्योंकि बठिंडा एयरपोर्ट वो जगह थी जहां पर प्रधानमंत्री दिल्ली से आने के बाद सबसे पहले लैंड हुए थे। तो कुल मिलाकर गृह मंत्रालय की टीम जिसमें 7 सदस्य है, एक महिला अधिकारी भी है, इन्होंने पंजाब के डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारियों जो कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, सबसे पूछताछ करने की कोशिश की है।